नमस्कार मित्रों, आप सभी को आचार्य निमी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री वीपी गोयल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। जैसा कि मित्रों आप सब जानते हैं, 18 सितंबर को श्री वीपी गोयल जी हमें भाव के स्वामियों का अलग अलग भावों में क्या प्रभाव होगा या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे और पढ़ाएंगे। फिर भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें इसका कोई कोर्स का कंटेंट दीजिए जी, आप क्या क्या पढ़ाएंगे। तो मैं सीधा सीधा श्री वीपी गोयल जी के पास आई हूँ। सर, आप बताएं क्या होने वाला है हमारी क्लास। भैया, कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं वो पहले ही सब्जेक्ट में दे दिया है कि भाई हर भावेश का किसी भाव में जाकर के बैठने से क्या फल होता है। सर, एक चीज और इन्हें समझा दीजिए, भाव के स्वामी को ही भावेश कहते हैं, कोई भावेश नहीं है। किसी भाव का जो स्वामी होता है उसे ही भावेश बोलते हैं, और हम उसको उस भाव का कर्ता भी बोलते हैं, मालिक भी बोलते हैं। मकान मालिक है वो, भाव का मतलब मकान। घर, घर लिखते हैं ना लाल किताब में, तो घर लिखते रहते हैं वो। हाँ सर, भाव को, हाँ पहला तो दूसरा, वो ही कहने का मतलब है जी। भाव का मतलब घर, तो घर का स्वामी। अब अगर एक कोई किसी घर का स्वामी है, भाव का स्वामी है, और वो किसी और के भाव में जाके बैठ जाता है, ठीक है, तो आपने वो मकान किराए पे ले लिया ना। बिल्कुल, आपका तो मकान नहीं था वो जी, आप तो किसी और दूसरे मकान के मालिक है, और आप किसी और के मकान में रह रहे हो, तो आप क्या करोगे। मैं तो हमेशा कहता हूं भैया, जैसा आप जीवन में करते हैं सामान्यता वही ग्रह करते हैं। कि आप किसके घर में जाके बैठ गए, ठीक है ना, तो यही हम समझाएंगे उसमें जी। और ये एक कहने को ज्योतिष में कदम रखने का पहला कदम है ये। खैर, कई कदम के बाद आता है ये पोजीशन जी। पहले भाव वाव राशियां वगैरह ये सब, कौन किसका स्वामी है, कहाँ उच्च होता है, कहाँ नीच होता है, ये होता है, ये होता है, जो वो सब सीख लेना पड़ता है, अक्षरों का जोड़ है। हाँ, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। अब मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं इसमें। अब जब हम पढ़ाएंगे उसको, तो वो रिजल्ट जो हम बताएंगे वो भी कई तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि इसी को हम थोड़ा सा देखें कि क्या क्या कारण होते हैं कि जो रिजल्ट प्रभावित होता है जी। क्योंकि अब कहते हैं भाई ये भाव, या उस किताबों में लिखा है कि ये ग्रह इस भाव में हो तो ये होता है। हाँ जी। अब वो होता नहीं है जी, तब हम कहते हैं ये क्या ड्रामा है यार जी। तो जो कितने सारे फैक्टर हैं जो भाव के फलित को प्रभावित करते हैं, तो आज हम वो मोटे मोटे 15-20 फैक्टरों की बात करेंगे जी। सर, लोग सोचते हैं कि छोटा सा ही वेरिएशन है, 15-20 तो आज हम बात कर लेंगे, बाकी हम चार, ठीक है, और भी है जी जो डायरेक्टली हम भावेश के ऊपर लागू कर सकते हैं जी, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं अच्छी पोजीशन की बात करूंगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से नोट कर लेना भाई जी। सबसे पहला उच्च का होना। अब वो कहीं गया, वहां उच्च का हो गया। मूल त्रिकोण में होना, स्वराशि में होना,
ठीक है, जी और किसी शुभ भाव का स्वामी होना, दो भाव का स्वामी भी हो सकता है, एक शुभ हो सकता है, एक अशुभ हो सकता है, और शुभ ग्रहों के साथ उसका संबंध है या नहीं है, या किसी शुभ भाव के भावेश से संबंध है। जी हम तो सीधा पकड़ के बोल देते हैं यार ये तो शनि के साथ है, भैया अगर शनि शुभ भावेश है जी तो वो एक शुभ भाव के साथ संबंध बना रहा है ना। बिल्कुल सर, क्योंकि अब जो संबंध होते हैं ये आपके दूसरे किराएदार होते हैं, जिस मकान में आप रह रहे हो किराए पे, दूसरे और किराएदार कौन है, वो अगर अच्छे हैं तो आपको आप अच्छा फल दोगे। जी सर, ठीक है। उसके बाद होता है वर्गोत्तम, जी नवांश में देखते हैं, हाँ जी, फिर बोलते हैं आरोही, जी ये बहुत कम लोगों को मालूम है आरोही क्रम। अब मैं आरोही बता देता हूं ये क्या होता है। जी आरोही दो तरह से देखा जाता है, एक तो होता है कि सूर्य से दूर जाना तो वो आरोही हो रहा है, ठीक है। दूसरे कुछ इस टर्म को यूज करते हैं कि जब वो अपनी मूल त्रिकोण या उच्च की राशि की तरफ जा रहा है तो आरोही, एक साइन पीछे है तो उसको आरोही बोलते हैं, ठीक है। एक होता है दिग्बली, कि दिग्बली तो नहीं है वो जिस भाव में गया। उसके बाद वर्ग चार्ट में उसकी स्थिति सुधर गई है, तो ये 8-10 फैक्टर तो देखने चाहिए। अब जो ग्रह को कमजोर करने कर देते हैं, जनरली जो बोलते हैं कि भाई डेबिलिटेशन में है, नीच का हो गया, शत्रु राशि में है, कहां का स्वामी है, अशुभ भाव का स्वामी है, जैसे हमने शुभ भाव के स्वामी ऐसे ऐसे इस तरह से उसका संबंध अशुभ ग्रहों के साथ है, या उसका संबंध अशुभ ग्रह भाव के स्वामी के साथ है, उसी का विपरीत आ रहा है अभी, ठीक है जी। अस्त है, दग्ध या अस्त है, दिग्बल नहीं है, ठीक है। अवरोही, अब जो सड़क से नीचे उतर के उतरने की कोशिश कर रहा है, कोशिश है जी, तो अब ये नीच की तरफ जाएगा या सूर्य के करीब जा रहा है, तो कंबस्ट होने वाला है, ठीक है। और डिविजनल चार्ट में वर्ग में उसकी स्थिति खराब हो जाए, जी, बिगड़ जाए जी, तो वहां के अच्छे फल नहीं देगा जी, या वो ग्रह गंडांत में तो नहीं है, ठीक है। इतने में याद कर पा रहा हूं भाई, ठीक है, बता दिया आपने। तो ये सब परिस्थितियां होती हैं जी, जो ग्रह के प्रभाव को फलित प्रभावित करती है, तो इनको पहले ये टर्म जो है कि कौन सा बली होता है कहां और कब निर्बल होता है, तो हम तो अब एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे कि भैया लग्नेश यहां गया जी, अब उसके साथ और दृष्टि संबंध हो सकते हैं जी, वो जगह उसकी उच्च की हो नीच की हो, वहां बैठा है किस डिग्री में है, जी, गंडांत में तो नहीं है, सूर्य से तो अस्त नहीं है, कर्तरी तो नहीं है, कर्तरी भी आता है, ठीक है ना जी। तो जो हम पढ़ने आगे जा रहे हैं जी। और मुझे ये लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हो गए हमारे साथी होंगे उनके दिमाग में ये जरूर उछलते रहेंगे, यही तो होता है सर, ऐसा होगा तो क्या होगा जी, ऐसा होगा तो क्या होगा जी सर, तो ये भैया सब पे लागू है, हर ग्रह पे लागू है, तो उनको इस तराजू में भी तोल लेंगे जी। तो ये जो आज का ये मैसेज मैं दे रहा हूं ये उन सब
मित्रों के साथियों के लिए है जो हम निम्मी का ये वेबिनार अटेंड करने जा रहे हैं सर, सभी पार्टिसिपेंट 18 तारीख से है, तो उसके लिए ये पॉइंट जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के संग रह करके इतना तो हमें भी अंदाजा हो गया है कि आपके क्या क्वेश्चन होंगे, कहां पर अटकेंगे, अपनी कुंडली में देख के क्या पूछेंगे जी सर, कि जी वो गया तो आपने कहा पांचवे भाव में गया, बड़ा अच्छा हो गया, परंतु वो जी केतु के साथ बैठा हुआ है या शनि के साथ बैठा हुआ है, जी सर क्या करना है, जी सर ठीक है ना। तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए आपको पहले जैसे सर दर्शाने की जरूरत करेंगे। आप ही के चार्ट में अगर देखें तो कहेंगे सर अष्टमी शनि पापी ग्रह लगन में राहु के साथ आ गया। अभी बताएंगे ना, भाव से बताएंगे जी सर जी। हाँ जी, कि लगन का महत्व क्या है, लग्नेश का महत्व क्या है, महत्व क्या है जी, ठीक है, है नहीं जी सर, तो वो सब देखेंगे जी सर। तो ये हमारा ये शॉर्ट मैसेज जो है जी, वो उसकी तैयारी कह लो आप, 18 तारीख के वेबिनार की तैयारी है। तैयारी है, तो अब आप समझ गए होंगे हम क्या पढ़ाएंगे और आपको क्या क्या मिलने वाला है कि क्या करा जाएगा उसमें, और ये बेसिक और सीखे हुए लोगों दोनों के काम आने वाला है। बेसिक वालों के लिए भी जो अभी शुरू कर रहे हैं, बताया ना कि जो अब वैक्यूबुलरी पढ़ चुके हैं, एबीसीडी पढ़ ली है, हाँ जी, तो उसके लिए ये अब केजी से आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए हो जी सर, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको ये और टर्म जाननी जरूरी है कि ये क्या क्या है, तो कृपा करके इनको समझ के आए, ये टर्म क्या है और ये ग्रहों के फलित को कैसे प्रभावित करती जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स के लिए आज का ये टिप्स ऑफ द डे आप सबके लिए वेबिनार से पहले, और अब आप शामिल होइए 18 सितंबर से पहले तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए 9810413384 पर ही मैसेज करें। थैंक यू, चलिए।